Good morning students, class 2 EVS. Today we are going to revise chapter 9 more about festivals. Students, इस chapter में हम festivals के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं let's recall से. let's recall में देखो नीचे आपको कुछ festivals की और fun days की picture दी गई है. आपको उन्हें identify करना है और नीचे space में उनका name लिखना है. देखिए first festival है आपको, देखो lights हैं बहुत सारी, crackers burst हो रहे हैं. तो ये है festival दिवाली. फिर देखो ये गुरुद्वारा है, उसमें लंगर चल रहा है, तो ये फेस्टिवल है गुरु पर. यहाँ पे देखो ये सेंटा है, तो ये हुआ क्रिसमस. फिर देखो ये गले लगकर एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं, तो ये फेस्टिवल है ईद. फिर देखो ये है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती. और देखो ये बर्थडे सेलिब्रेशन है, बर्थडे यानी फन डे है. अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर मोर अबाउट फेस्टिवल्स. इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. जैसा कि आप जानते हो जो इंडिया है, भारत है, वो त्योहारों की भूमि है. यहाँ पे देखो हम पूरे साल में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स के साथ. इन फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं. देखो फेस्टिवल्स के यहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं आपको, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में. नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरे नेशन के द्वारा, पूरे राष्ट्र, पूरे देश के द्वारा सेलिब्रेट करे जाते हैं. तो जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो हम सभी इंडियंस, देखो इंडिया हमारी कंट्री है और हम सभी इंडियंस मतलब जो है भारतवासी हैं, इसके सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं. तो हम सभी मिलकर इन फेस्टिवल्स को, नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. देखो ये अपनी फिक्स डेट पे आते हैं, इनकी डेट कभी चेंज नहीं होती. तो इंडिया के कुछ नेशनल फेस्टिवल्स की बात करते हैं. फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस. तो देखो एवरी ईयर 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से. इस दिन क्या करते हैं, इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस, देखो फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी, तो उसे आज़ादी दिवस कहा गया है. तो उस आज़ादी दिवस की हम खुशियां मनाते हैं इस दिन. और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, वो रेड फोर्ट जो दिल्ली में लाल किला है वहाँ पे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, फहराते हैं. इसके साथ साथ नेशनल एंथम भी गाया जाता है. नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस. देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडिया है वो रिपब्लिक बना था. हमारे हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो तैयार हुआ था. तो हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन क्या होता है, देखो कलरफुल परेड होती है दिल्ली राजपथ में, और वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हें ये परेड सैल्यूट करती है, और इस दिन प्रेसिडेंट नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, फहराते हैं. नेक्स्ट आपका नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती. देखो गांधी जयंती एवरी ईयर 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारे महात्मा गांधी हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, उनका बर्थडे होता है इस दिन. तो इसलिए उनके बर्थडे को हर साल गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है. देखो इंडिया को फ्री कराने में, फ्रीडम दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था. उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में ही हमें आज़ादी मिल पाई थी. इसीलिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है. तो ये तो बात हुई नेशनल फेस्टिवल्स की. सेकेंड टाइप है आपका रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक त्यौहार. देखो इंडिया है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत से रिलीजियस फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करे जाते हैं जो एक धर्म विशेष से संबंधित होते हैं. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करी गई है दिवाली की. दिवाली देखो हिंदूज़ का फेस्टिवल है, और देखो दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली मनाने के पीछे देखो स्टोरी है, क्योंकि इस दिन जो भगवान राम थे वो 14 ईयर्स का एग्जाइल यानी देखो उन्हें वनवास हो गया था, उन्हें घर से निकाल दिया गया था अयोध्या से, और वनों में रहने के लिए 14 ईयर्स के लिए भेज दिया गया था. तो 14 ईयर्स कंप्लीट करके वो अपने घर अयोध्या वापस आए थे. तो लोगों ने खुशियां मनाई थी, अपने घरों को डेकोरेट करा था, लाइटिंग करी थी, घी के दिए जलाए थे, कैंडल जलाई थी और पटाखे जलाए थे, और बहुत खुशियाँ मनाई थी. तो इसलिए हर साल दिवाली फेस्टिवल उनके वापस आने की खुशी में सेलिब्रेट करा जाता है. इस दिन देखो हम अपने घरों की सफाई करते हैं, दिया कैंडल जलाते हैं, गणेश और लक्ष्मी की पूजा करी जाती है, फिर मिठाइयाँ बांटते हैं अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, बच्चे क्रैकर्स ही बर्स्ट करते हैं. तो ये हुआ दिवाली फेस्टिवल. नेक्स्ट है दशहरा.
तो देखो दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस दिन श्री रामचंद्र ने रावण को मारा था, तो इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसीलिए हर साल दशहरा मनाया जाता है। दशहरे पे क्या होता है, देखो रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले, एफिजीस होती है पुतले, डमीज बनाई जाती है और उन्हें जलाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है दशहरा। नेक्स्ट है ईद, तो ईद आपका देखो ईद जो है वो मुस्लिम्स लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब रमज़ान का मंथ ख़त्म हो जाता है फिर ईद मनाई जाती है, रमज़ान के बाद इसे सेलिब्रेट करा जाता है। देखो रमज़ान एक होली मंथ है, इस दिन देखो जो मुस्लिम्स होते हैं वो रोज़े रखते हैं, जिन्हें फास्ट कहते हैं आप, तो पूरे मंथ वो रोज़े रखते हैं, फास्ट करते हैं, फिर ईद का त्यौहार आता है। तो देखो क्या होता है इस त्यौहार की, देखो जो ये मून को देखने के बाद इस त्यौहार का सेलिब्रेशन करा जाता है, पीपल मॉस्क्यू में मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं, प्रे करते हैं वहाँ पे, और यहाँ इस फेस्टिवल पे एक स्पेशल डिश बनाई जाती है सेवई। नेक्स्ट है गुरुपर्व, तो गुरुपर्व सिख लोगों का त्यौहार है, इस दिन क्या होता है 10 सिख गुरुज़ का बर्थडे होता है जिसे गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं, सभी लोग लंगर खाते हैं, लंगर होता है देखो गुरुद्वारे में एक कॉमन किचन में खाना पकाया जाता है फिर सभी लोगों को खिलाया जाता है, तो वो है लंगर। और देखो इसके साथ साथ सुबह सुबह प्रभात फेरी भी निकलती है, तो ये फेस्टिवल हुआ आपका गुरुपर्व। तो ये हमने पढ़े रिलीजियस फेस्टिवल्स, अब देखो कुछ रीजनल्स फेस्टिवल्स दिए गए हैं। रीजनल्स फेस्टिवल होते हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित, जो एक जगह स्पेशल एक क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं त्यौहार, वो होते हैं रीजनल फेस्टिवल्स। जैसे देखो दुर्गा पूजा है वो उड़ीसा और बंगाल में सेलिब्रेट करी जाती है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, नवरात्रि गुजरात में, देखो और जगह भी मनाए जाते हैं त्यौहार, लेकिन इन जगहों पर ये बहुत ही धूमधाम से और सभी लोगों के द्वारा सेलिब्रेट करे जाते हैं, इसलिए इन्हें रीजनल फेस्टिवल्स कहा गया है। देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई है आपको। अब आते हैं आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं देखो जब जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है वो तैयार हो जाती है कटने के लिए, तो लोग खुशियां मनाते हैं और इन फेस्टिवल और खुशियों को जताने के लिए वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। तो फसल जब कटने के लिए तैयार हो जाती है तो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं। अब देखो अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग रूप से मनाए जाते हैं और इनको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे देखो फर्स्ट है आपका ओणम, जो ओणम फेस्टिवल है वो केरला में सेलिब्रेट करा जाता है, केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस दिन क्या होता है, सभी लोग किंग महाबली की पूजा करते हैं, स्नेक बोट रेस होती है, और देखो स्नेक बोट रेस में क्या होता है, स्नेक शेप की बोट होती है उनकी रेस लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस दिन एक स्पेशल डिश मनाई जाती है पोंगल राइस, जो देखो क्या होता है तमिलनाडु में जब वो फसल चावल की फसल होती है वो रेडी हो जाती है कटने के लिए, तो वो ही फसल जो न्यूली हार्वेस्टेड फसल है उसे पकाया जाता है, मेन डिश होती है वो इस फेस्टिवल की, और उसे जैगरी के साथ, जैगरी होते गुड़, उसके साथ खाया जाता है। नेक्स्ट है बैसाखी, बैसाखी पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसकी देखो इट इज़ द बिगनिंग ऑफ सिख न्यू ईयर, देखो सिख लोगों का न्यू ईयर होता है ये, तो इस दिन क्या होता है वो सभी लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं, भांगड़ा गिद्दा देखो उनके वहाँ के डांस हैं इन्हें करते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहू, बिहू आपका असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस दिन देखो वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं, जो लोक गीत हैं वहाँ के लोगों के द्वारा वो गाए जाते हैं, फोक डांस किए जाते हैं, और जो लोग हैं वो इस दिन एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसे कहा जाता है पिट्ठा। तो ये हुए आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। देखो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने कितने सारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, देखो इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करे जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, रीजनल फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा इस चैप्टर को पढ़ के और आपकी नॉलेज भी बहुत बढ़ी होगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस, इनमें से वो कौन से फेस्टिवल्स हैं जो सभी इंडियंस के द्वारा सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो वो है नेशनल फेस्टिवल्स। देखो पूरा इंडिया जितने भी इंडियंस हैं सभी भारतवासी इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका द फेस्टिवल इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, देखो इनमें से कौन सा वो फेस्टिवल है जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो वो फेस्टिवल आपका दशहरा है। थर्ड है बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन, बैसाखी कहाँ पे सेलिब्रेट करी जाती है, पंजाब तमिलनाडु असम, तो पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट करी जाती है। तो ये हुआ आपका ए पार्ट। बी पार्ट में देखो आपको नीचे दिया गया है
आपको देखो हमारा नेशनल जो एंथम है जनगण मन, उसके कंपोज़र का नेम बताना है आपको, तो वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेशनल सॉन्ग के कंपोज़र हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। फिर आपसे पूछा गया आपके नेशनल फ्लैग का नेम, तो हमारे नेशनल फ्लैग का नेम है तिरंगा। तो देखो ये हमने यहाँ पे बताया। अब आता है आपका क्वेश्चन आंसर्स। देखो क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल फेस्टिवल्स क्या है नेम दैम। तो देखो नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरे नेशन के द्वारा सेलिब्रेट करे जाते हैं, जिन्हें सभी जो देशवासी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं वो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि देखो इंडिया के नेशनल फेस्टिवल्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाई डू वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, नेम सम ऑफ देम। हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नेम लिखिए। तो देखो जब फसल पककर कटने के लिए तैयार हो जाती है तो लोग खुशियां मनाने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी क्रॉप जो है, फसल जो है वो रेडी हो गई है, तो इसीलिए वो खुशियाँ अपनी एक्सप्रेस करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए फेस्टिवल्स के उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाते हैं। जैसे देखो आपने ही पढ़ा आपका बैसाखी, पोंगल, ओणम, बिहू, ये सभी आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको डिफ्रेंशिएट करना है रिलीजियस और रीजनल फेस्टिवल में विद एग्जाम्पल्स। देखो रिलीजियस फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जो किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। देखो रिलीजन है आपका, जैसे देखो हिंदूज लोग दिवाली और दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स के द्वारा ईद सेलिब्रेट करी जाती है, क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, सिख्स गुरु पर्व सेलिब्रेट करते हैं। तो एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट करे जाने वाले त्यौहारों को रिलीजियस फेस्टिवल कहा गया है। और जबकि रीजनल फेस्टिवल्स जो एक क्षेत्र विशेष में सेलिब्रेट करे जाते हैं, एक खास जगह पर मनाए जाते हैं, वो होते हैं रीजनल फेस्टिवल्स। जैसे देखो अभी हमने पढ़ा दुर्गा पूजा, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी। देखो सेलिब्रेट तो कई लोग करते हैं लेकिन एक जगह विशेष में, जैसे देखो आपका गणेश चतुर्थी है महाराष्ट्र में, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करा जाता है, वहाँ पे सभी लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हुआ आपका रीजनल फेस्टिवल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अगेन अच्छे से एक बार रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 9 को रीड कीजिए और इसे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए। थैंक यू।